का नीतीश बाबू, आपने किसी जिले में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने आइसोलेशन वार्ड बनाया? जब आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जब आपके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, लोग लगातार बगैर डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर के मर रहे हैं, तो फिर 8,432 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया? आप कह रहे हैं 9 लाख रुपया मुखिया को दिए, आप कह रहे हैं कि मैं मांस और साबुन बांटा। जब आपकी जांच ही नहीं हुई, मात्र 6 जांच सेंटर भी नहीं बनाए, पहले तो आप मई तक मजदूर और स्टूडेंट को रोके, हर क्वारंटाइन सेंटर से सीओ और पदाधिकारी 2-2 करोड़ रुपया कमा लिए, एक क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर आप 2400 रुपया देते थे, मतलब 44,000 रुपया एक व्यक्ति पर 14-11 दिन के अंदर हो गया। वैसे तो 60-60 घोटाले सृजन में अभी तक क्यों सीबीआई ने सुशील मोदी से पूछताछ नहीं की? सुशील मोदी की बहन, सुशील मोदी का भाई महावीर मोदी, सुशील मोदी की भगनी, लालू यादव का बेटा बेटी तो चोर, बिल्कुल चोर। लालू यादव ने मॉल बनाने के लिए गलत जमीन लिया तो गलत, और निशिकांत दुबे ने भागलपुर में गलत जमीन पर सृजन के पैसे से अरबों किया तो ठीक। कोऑपरेटिव मंत्री गिरिराज पैसे खाए सृजन के, उस पर पूछताछ नहीं। पूरा रियल एस्टेट का नंबर 3 महावीर मोदी, जबकि एकमात्र रेडीमेड का कपड़ा का दुकान सुशील मोदी को, ये अरबों रुपया कहां से? खरबों रुपया। बहन से झगड़ा कोई जमीन का तो हुआ नहीं, पैसे का बंटवारा का झगड़ा हुआ। मैं चाहता हूं जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने जांच की बात उठाई और गलत तरीके से पैसे का ट्रांसफर, वित्त मंत्री है, 30 अप्रैल को सारे पैसे को लौटना है, 1 अप्रैल से 0 बैलेंस से पैसा खर्च होता है। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के अलावा बैंक का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, और इसने मनोरमा देवी को नीतीश और सुशील ने भारत रत्न के लिए चिट्ठी लिखा, इसलिए अविलंब सीबीआई पूछताछ करे और सृजन घोटाले में रिजाइन।